काशिफ सलीम, आवाज आ रही है बेटा? वेरी यस सर। हाँ गुड। तहमीना लतीफ, काशिफ सलीम यस सर। बेटा आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ आगे? सर वो डायरेक्ट आईडी ज्वाइन हुई है सर, इस वजह से मेरा नाम ही सेव था उसमें सर। क्या रोल नंबर है आपका? 16811 आठ 16811। सौ देखो आगे। सर। यस सर आ गया। तहमीना लतीफ, यस सर। बेटा आपने भी रोल नंबर नहीं लिखा। तो वो गूगल से डायरेक्ट किया था तो इसलिए नहीं लिखा गया। क्या ना रोल नंबर है वन आपका? सिक्स एट फाइव सेवन 16857। सेवन ओके, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, शुरू करें जी। यस सर। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं 5:20 तक जो भी क्लास में आ जाएगा उसको इजाज़त होगी, उसके बाद मैं क्लास को लॉक कर दूंगा, ठीक है? नंबर एक पे वो अगली क्लास ज्वाइन कर सकता है, और ये जो बार बार जाकर आ रहे हैं उनके साथ भी यही होगा। और शुरू करते हैं। काशिफ सलीम, क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पर? सर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट, काउंटलेस सैल्यूटेशन ऑन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड आई प्रे एंड विश मे ऑलमाइटी ब्लेस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, एंड प्लीज प्रोटेक्ट अवर होमलैंड। सो व्हाट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी? काशिफ सलीम, टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं। नहीं तो व्हाट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इन एक्चुअल? सर इट इज अ बेसिकली अ टेक्निक टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स आता है? यस सर। मैथ किया था मैट्रिक में? यस सर। ओके, व्हाट इज, इफ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू यस सपोज, देन व्हाट यूजुअली यू गाइस डू? सर एक्स सपोज एक्स इज इक्वल टू 10, सपोज एक्स इज इक्वल टू 15, यस सर सो डू यू यस सर व्हाट? एनी आइडिया व्हाट दिस एक्स इज नाउ? सर नो आइडिया सर। सर जस्ट अ सपोज वैल्यू। एनीवन एल्स? अली रजा सर एक्स वो एंगल है एक्स वाई और जेड वाला। डायमेंशन कहना चाह रहे हो आप? जी जी सर। एनीवन एल्स? इरम बतूल, इकरा सईद, मुजम्मिल हुसैन, नो आइडिया समदा, हीरा 1687। शायद सर समरा जी बेटा बताएं। सर शायद किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये मेथड है। बेटा आप लोगों ने पहले पढ़ा ही नहीं किसी ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में? नहीं पढ़ा सर। मरियम कासमी, मैंने अभी एक एग्जांपल दी है
उससे भी किसी को कुछ समझ नहीं आई? निदा फातिमा, मिसबा किरण, हफ्सा इनायत, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनके स्ट्रक्चर हम लोग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग क्रिस्टल्स और इसके अंदर एक्सरे की जो बीम होती है उसके थ्रू ये इसको करते हैं। गुड। आयशा हफीज जी। सर सर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो होती है एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम जो है मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स मतलब के बनाते हैं उसका फाइंड करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। मोहम्मद काविश, ओके सो आई एम गोइंग टू लॉक द क्लास, only 24 participants we have. इजाजत है जी लॉक कर दें क्लास को के वेट करें स्टूडेंट्स का? सर अभी 10 मिनट नहीं हुए अभी पूरे। यार मुजम्मिल 5:15 पे क्लास शुरू होनी थी राइट? मैं 5:10 ऑनलाइन आया 5 मिनट पहले। हाँ जी। चलो मैं आपके कहने में 2 मिनट और रुक जाता हूँ। What is X-ray crystallography? So, X-ray crystallography is a technique to predict, to solve the, हम अपनी डोमेन में बात करेंगे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की डोमेन में कि X-ray crystallography क्या है। X-ray crystallography is in actual a technique to solve the three-dimensional structures of proteins, DNA, RNA and different, please mute your mic everyone, please. ठीक है जी। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वर डिस्कवर्ड इन 1895 बाय जर्मन फिजिसिस्ट विलियम कोनार्ड रोटजन एंड वर नेम्ड एज बिकॉज देयर नेचर वाज अननोन एट दैट टाइम। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1901। इन एक्चुअल दिस फिजिसिस्ट गाय वाज आल्सो वर्किंग ऑन मैथमेटिक्स एंड इन मैथमेटिक्स व्हेन यू don't know anything or you don't have any value or some unknown values you just suppose it like x. So he discovered the some rays, some wavelength, and he was not aware of that wavelength. Please mute your mic everyone. Kiram Batul, Amna Nawaz, please mute your mic. Sir, yes sir, mute hai. Kaha ke mute hai to aapki awaaz kaise aa rahi thi? जी सर। सो ही वॉज द फिजिसिस्ट एंड ही जस्ट डिस्कवर्ड सम वेव्स, सम रेज, द वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड देन ही कंसीडर्ड दिस वेवलेंथ एज एक्स एज इट वॉज अननोन एंड ही कॉल्ड दैट एक्स रे, द अननोन रे ही फाउंड एंड फ्रॉम दैट टाइम इट वॉज एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। The properties of X-ray crystallography, it is invisible, highly penetrating electromagnetic radiations of much shorter wavelength, having higher frequency than visible light. The visible light we usually saw around us. And the wavelength range of X-ray is from 10 to 8 10 to raise power minus 8 meter to 10 to raise power minus 11 meter. The corresponding frequency ranges from 3 × 10⁻¹⁶ hertz to 3 × 10⁻¹⁹ hertz. You can have a look to the figure here, like here, if you can see the cursor. You, Kashif Sleem, can you see the cursor? Yes, sir. Okay. This cursor denotes that this is in actual the X-rays here. So this some wavelength he just showed here with 400 to almost 800, but here we have the X-rays.
This X-rays depends. This X-rays ranges from 10 to raise power 10 almost. From here is 12 or here is 10. So this is the actual wavelength. It is invisible. It is very highly penetrating. Okay, how many of you has the experience of X-ray in their life, in your life? Maybe X-ray of your arm, broken arms, broken leg, abdomen, X-ray. Anyone has the experience? Ji Kashif Salim. Yes, sir. Yes, yes, sir. कहाँ का हुआ था एक्सरे आपका सर? मेरे एक दोस्त है जो मतलब एक्सरे टेक्नीशियन है सर, उसके पास मैं काफी टाइम मतलब जाता हूँ। वो सर डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट वेवलेंथ पे सर एक्सरे निकालते हैं ताकि सर वो जो है ज्यादा उनकी रेस से नुकसान हो, सेल्स डैमेज ना हो। ओके, एनीवन एल्स? जी सर जी, आपका हुआ था? कौन सा, नाम बताएं बेटा। एक एक बेटा, एक बच्चा अपना हाथ उठाए, मैं आवाज दूं अनम्यूट करके, नाम बता के बात किया करें। जी मुजम्मिल हुसैन। जी सर, ये मेरा सर ये डीएनएस हुआ था तो एक्सरे हुआ था तब। अच्छा अच्छा, तो एक्सरे देखा आपने, उसमें क्या नजर आता है सर? वो बस यही नजर आता है कि वो जो बोन्स वगैरह होती हैं। जी, सपोज वी हैव suppose you have a broken arm or maybe broken leg or something like that, and then there is a highly penetrating waves of x-ray passed through your arm, and then you have a sketch of your arm, not the sketch of your tissues, soft tissues or the flesh. Why? Because this is very highly penetrating and the frequency of your tissues are very low electrons, so that you have the sketch of the arm, the bone, not the soft tissues, because it is highly penetrating, it is invisible, and it is also dangerous if you will expose it again and again. So be careful about that. Production of X-rays, visible light photons and X-ray photons are both produced by the movement of electrons in items. You guys remember that there is an item, we have an electron, proton and neutrons in the item. Proton has जी बेटा समरा सर, एक क्वेश्चन था कि फिर बोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी? बेटा बोन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती, बोन्स रिजिड होती हैं, उसमें से एक्सरे पास नहीं करता, रेज उसमें से पास नहीं करती, इसलिए उसका पीछे इमेज आ जाता है, जो टिश्यू है उसमें से पास कर जाती है। आगे जाके हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। जी अली रजा। जो एक्सरेज होती है इसमें इसका डोज का भी हिसाब होता है? डोज का फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा। जी जी ठीक है सर। सो वी हैव आइटम्स, इन आइटम्स वी हैव इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। सो देयर आर सो मेनी शेल्स लाइक के एल एम एंड ए बी सी। सो एवरी शेल हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट विल गेन और लूज द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट। So electron occupy different energy levels or orbits around an item's nucleus. When an electron, yes, we have the information here. When an electron drops a lower orbit, it needs to release some energy. It releases the extra energy in the form of a photon. The energy level of the photon depends on how far the electron dropped between the orbits. Like if a electron is in the M orbit and the electron has to drop to the lower orbit, then it will release the energy. If it will release to one fold, maybe it release 1% energy, and if it will release to 2 folds, the energy will be double. So it depends of the movement of the electron from which orbit it is moving to down which orbit to release the specific amount of energy. This is the X-ray tube here. The one side is anode and other side is cathode. You guys know well about anode and cathode, positive and negative charge movement of electrons. So this is the X-ray tube that produces the electrons in X-rays. In actual, X-rays can be produced in a highly evacuated glass bulb called an X-ray tube that contains essentially two electrodes and an anode made up of platinum, tungsten and any other heavy metal to high melting point, and a cathode. You know well about anode and cathode. If you guys remember, about 10 years back we have the bulbs in our houses, and that bulb has a very small wire. Suppose when the wire was broken down, we usually say the bulb fuse ho gaya.
So that wire was made up of tungsten wire. So the same tungsten wire is used here, or platinum wire with the cathode and anode. When a high voltage is applied between the electrodes, streams of electrons are accelerated from the cathode to anode and produce X-rays as they strike the anode. So here you have the tube. We have here anode, and then on the right side we have the cathode. This is the tube, and when there is a bombardment of electrons, moving of electrons, then we have the X-rays strike on the anode. So what is monochromatic and broad spectrum of X-rays? As you guys know, mono means single and chromatic means light, right? And broad spectrum of X-rays. X-rays can be created by bombarding a metal target with high electrons, that is 10 to raise power 4 electrons. Some of these electrons excite electrons from core states in the metal, which then recombine, producing high monochromatic X-rays. These are referred to as the characteristics of X-ray lines. Other electrons, which are deaccelerated by the periodic potential of the metals, produced a broad spectrum of X-ray frequencies. Depending on the diffraction experiment, either or both of these X-ray spectra can be used. Anyone has the concept of reflection and diffraction? Anyone? Raise your hand, please. Kashif Sleem. Yes, sir. याद है बेटा कंसेप्ट डिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का? रिफ्लेक्शन सर, जी जी बताइए. रिफ्लेक्शन जिससे मतलब सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, और डिफ्रैक्शन जिसमें से लाइट पास कर जाती है, आई थिंक सर इसी तरह का ही है कुछ. एनीवन एल्स? व्हेन यू विल गिव सम हीट, रिमेंबर व्हेन यू विल गिव सम हीट टू आयरन इट. यस बेटा, जी बेटा कौन सर? डिफ्रेक्शन में होता है कि जो भी वेव होती है या हीट की वेव जो, या फिर कोई भी हो, तो वो फैल जाती है. इसी तरह है बेटा, कर सकल, लाइक इसी तरह है बेटा, फैल जाती है. तो वेरी गुड, थैंक यू सर. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं. एक्साइट मीन मूवमेंट उनकी जो है वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की. जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से बड़े वाले ऑर्बिट से छोटे वाले ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जब वो छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा अपने एनवायरनमेंट से. अब्सॉर्प्शन ऑफ एक्स रे इज, ए लार्जर एटम इज मोर लाइकली टू अब्सॉर्ब एन एक्स रे फोटोन इन दिस वे, बिकॉज लार्ज आइटम्स हैव ग्रेटर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स. द एनर्जी लेवल मोर क्लोजली मैचेज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. स्मॉलर आइटम्स वेयर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर separated by relatively low jumps in energy are less likely to absorb X-ray photons. So here is the basic concept that we were discussing about the movement of or involvement or passing of X-rays from the tissue, not from the bone. Okay, we have this information here. The soft tissue in your body is composed of smaller atoms and so does not absorb X-ray photons particularly well. The calcium atoms that make up your bones are much larger, so they are better at absorbing X-ray photons. So when the bombardment of electrons or X-ray on the bone, the bone just absorb the X-ray, and there was a image of black shade at the backside of the foil. But in tissues, it just pass away. Then that's why we don't have any image back in the backside. So if there is a crack in the bone, then the electrons pass from that crack, and that's why we don't have shadow there. Understand? Who was asking about that last time? आपकी अगर किसी हड्डी में क्रैक आया हुआ है, आप इलेक्ट्रॉन की बीम जब वहां पे फेंकते हैं, एक्सरेज जब वहां पे जाके लगते हैं, तो वो बोन जो है वो उसको एक्सेप्ट अब्सॉर्ब कर लेती है, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एक्सरे को अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसका शेडो बैक साइड पे चले जाता है. लेकिन अगर वही आपके ये सॉफ्ट टिश्यू में से जब गुजरती है तो वो अब्सॉर्ब नहीं करता, वो उसको गुजरने देता है. जी अली रजा. अली रजा सर, जब एक्सरसाइज करते हैं जी, तो बोन के नीचे जो फ्रैक्चर होती है उसके नीचे एक प्लेट रखते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है बेटा? उसके ऊपर इसीलिए ना कि वो वहां पे जाके स्ट्राइक करेगा ना. जी जी सर, ठीक है. जब आपके पास क्रैक होता है बोन के अंदर कहीं, तो वो जो क्रैक वाली जगह है वहां से इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं. जब वहां से गुजर जाते हैं तो हमें वो जो पीछे शेडो होता है उसके अंदर से वो उतना खाली सा नजर आता है, तो अंदाजा हो जाता है कि किस जगह पे क्रैक आया है बोन के.
अगर वहां से बोन क्रैक ना हो तो वो वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स पास ना हो, और ना पास होने की वजह से क्या होगा, वहां पे पीछे शेडो आ जाएगा। जहां जहां पे शेडो नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, वहां वहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ यहाँ से बोन ब्रेक हुई है, ठीक है। और जो बोन्स हैं वो बनी होती हैं कैल्शियम की, कैल्शियम जो है वो लार्जर आइटम है सो वो अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो कमजोर आइटम्स हैं जैसे कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में उनसे अब्सॉर्ब नहीं होती, वो उनको पास होने देते हैं। जी हु इज नेक्स्ट? जी काशिफ सर, मैं हूं मारियाबुल। जी बेटा, जी मारियाबुल। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब एक्सरेज के बारे में नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि एक्सरेज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो जो लोग वहां पे एक्सरेज मशीन पर वर्क कर रहे थे क्या उनको भी इससे कोई मतलब उनको लॉस होता है उनकी बॉडी में? वो क्योंकि टिपिकली आपने सुना होगा एक्सरेज हाइपरटेंसिव भी होती है और इस वजह से भी मतलब नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, तो जो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं एक्सरे मशीन पर वो लोग कैसे मतलब नॉर्मल रहते हैं? बेटा नंबर एक तो वो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आमतौर पे उस रूम में नहीं होते जिस रूम में एक्सरे हो रहा होता है, वो आपको उस रूम में छोड़ देते हैं और आपको कहते हैं कि जी आप ये जो मेजरमेंट्स हैं ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी करें और एक मशीन है उसके आगे खड़े हो जाएं, और खुद वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं, वो हर वक्त उस रूम में नहीं रहते। और जब वो इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़ते हैं वहां पे तो वो खुद उस रूम में नहीं होते, वो सिर्फ उसी आदमी पे पड़ती हैं, और वो उसके बाद वो आदमी एक्सपोज बाजू का एक्सरे, उसका बाजू एक जगह के ऊपर प्लेट पे रख के जैसे ये अभी बच्चे ने बात की है स्पेसिफिक उसको कंडीशन में रख के वो खुद बाहर चला जाता है कमरे से, और फिर वो वहां से बटन के जरिए मशीन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स फेंकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, जब वो एक्सरे चला जाता है फिर वो उस बंदे को बाहर बुला लेते हैं और वो कमरे को बंद कर दिया जाता है। उनको जाहिर बात है कुछ ना कुछ डैमेज जरूर होता है क्योंकि वो हर वक्त एनवायरमेंट में होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं होते उससे। जी काशिफ सलीम। अरे इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो वाला जरूर, क्योंकि मेरे सर सर सबसे पहले एक स्टैंड होता है जिसके सामने मतलब उस शख्स को खड़ा करते हैं जिसका हमें एक्सरे लेना होता है, उस स्टैंड के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेट होती है हमारे पास वो फिट करते हैं, तो जिस हिस्से का हमें एक्सरे करना होता है वो हमारे पास जो बीम वाली लाइट होती है हम वहाँ पे सेट करते हैं जिसके बाजू का एक्सरे करना है, तो डिफरेंट पार्ट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेट होती हैं कि इस पार्ट के लिए हमने इतनी फ्रीक्वेंसीज की रेज उसके ऊपर ड्रॉप करनी है, तो फिर एक स्पेसिफिक सूट होता है जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है उसके पास वो पहन लेता है, और एक साथ छोटा सा अलग रूम होता है जिस तरह कैबिन बना होता है सर, वहाँ से सिर्फ मतलब शीशा लगा होता है नज़र आ रहा होता है लेकिन वो खुद उसमें चला जाता है वो स्पेसिफिक सूट डाल के, और फिर वो उस पर जब रिफ्लेक्ट होती हैं रेज पड़ती हैं तो जो हड्डियाँ होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं रेज को, वो गुजरने नहीं देती, तो हड्डियों को वाइट शेडो पीछे बनता है, और जबकि जो मतलब नॉर्मल टिश्यूज होते हैं सॉफ्ट उनका ब्लैक शेडो बन जाता है सर, वो जब प्लेट लाते हैं वापस तो एक मशीन में लगाते हैं जिससे वो सारा शेडो कंप्यूटर में ट्रांसफर करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। थैंक यू। इसी तरह ही है बेटा जिस तरह ये बता रहे हैं काशिफ सलीम, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ हो, और वाकई एक्सेस ऑफ एक्सरेज इज नॉट गुड, एक्सेस ऑफ एक्सरे विल डैमेज, ठीक है जी। सो एक्सरे डाइफ्रेक्शन, अभी ये काशिफ सलीम ने जो हमें बताया ये वही एक्सरे डाइफ्रेक्शन वाला कंसेप्ट के जो के आपकी बोन होती है वो डाइफ्रेक्ट कर देती है, डाइफ्रेक्ट करने का एक स्पेसिफिक एंगल होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आके एक जगह पे स्ट्राइक किया और वो उसमें से पास होने की बजाय एक दूसरे एंगल के साथ ऑपोजिट साइड को निकल जाता है। Diffraction is a wavelength phenomena in which the apparent bending and spreading of waves when they meet on obstruction. So, अगर कोई जगह पे जाके वो वेव लगती है तो वो डाइफ्रेक्ट हो जाती है, अगर आपको FSC physics वाला concept याद है। So, मेरे पास अभी इधर बोर्ड नहीं है, I hope you can get the point that how it diffracts. In crystals, the regular spaced items act as natural gratings. Since the items are large in their size, the interatomic distance of items are in order of the wavelength of X-ray. Hence the items of crystals are able to diffract X-ray. As we already discussed that how it diffracts, if you have the image in your brain, then you can easily understand that how wavelength just strike on the obstruction and then diffract into the opposite direction in the same angle or sometimes in the little bit different angle. Mode of diffraction is different from different crystals due to vary in their interatomic and interplanar distances, and hence the diffracted rays produce unique pattern on radiographic film which are fingerprints of every crystal. So in actual we are not considering this as a
x-ray of our arms and legs. We are just discussing the x-rays of proteins. Same concept with the protein. Then they just throw the electron bombardment on the protein and then have a sketch on the backside. And then just calculate that sketch to produce a structure. There are three types of x-rays methods. We are not going to discuss the x-ray methods in detail. Otherwise, it will be a lengthy lecture for you. So we will just take a know-how about the x-ray methods, because we are not going to perform this experiment. We just want to know how x-ray works for the protein structures. There are many types of x-ray cameras to sort out reflections from different crystal planes. Only three types of x-ray photographs that are widely used for the simple structures are Laws photograph, rotating crystal method, and powder photograph. So I tried to summarize all that in this figure so we can understand it easily. X-ray diffraction methods. There are three types of X-ray diffraction method. First one is Lau, that it has specific orientation. It has single crystal and polychromatic, more than one. In monochromatic, we have one, as you know, from the name mono. From poly, more than one. And beam is fixed in the fixed angle to throw on the obstruction. Then we have another type of rotating crystal. What is lattice? Anyone want to tell me? What is lattice? Ji Kashif Salim. Sir, is this a smallest part of any system? Yes, specific direction or specific angle, you can say. So we will see lattice in later in the same slides. Thank you, Kashif. So it has specific type of angles or specific type of shape, and it is single crystal monochromatic beam, and it has variable in angle. In Laus, we have the fixed angle. Suppose if the electrons are bombarded from the angle of 60 degree, it will be on fixed direction. But in rotating crystal, as the name told you, that it is a rotating crystal is going to rotate, move. So for that, we have different angles, variable in angles, like from the range of 3200, or maybe it depends on the experiment. And then in last, we have the powder method. So we use different type of lattice. Lattice we will see in the later slides. And it is also polycrystals, powdered monochromatic beam, and it also has the variable angles. The methods that have variable angles is much more better than the fixed angle, because when we have the variable angles, we have more variation and more accuracy and reliability in the generated results. After that, we have microscopy through lens. So if this star is the object and you are just bombarding the electrons, and this is an object, it is you here, this is your lens. So after that, there is so much diffraction it is showing. When you suppose this arrow is an electron beam, and this is the object. After striking with the object, there are so many diffraction, and on the lens you have the direction dots. And that dots, when collectively you study, you can generate the image of star. This is the main concept in actual that we are going to study, or that in actual happened on the backside. To see the atomic level resolution needs lights with wavelength around 1 Armstrong x-ray. The minimum wavelength should be 1 Armstrong, but unfortunately there is no lens to focus the x-ray. So collect the scattered information and use computation to create the image without the lens. First you have to bombard the electron, and then there was some diffraction or because of the object, and we have some dots. Iram Batul, please mute your mic. जी सर, सर मुझे आवाज नहीं आ रही काफी देर से. मैं बेटा सर? बेटा आवाज बाकी सबको आ रही है आवाज? आयशा हफीज. यस सर. बेटा इरम बतूल, बेटा आपके कुछ इशू, टेक्निकल इशू होगा. अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप परेशान मत हो, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, शायद आपके नेट का इशू है. ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना. So after that, when there is so much dots and information on the foil, then we just collect the foil and enter the information into the computer, use computation power and different softwares to generate the image. That's the in actual concept of
microscopy through lens. So X-ray crystallography is the most common experimental way. So many people just work on that. In PDB, we have almost 80% of structure generated from X-ray crystallography. There is another method known as NMR, nuclear magnetic resonance. We will discuss that in our next lecture. It is also the same type, but in NMR, the protein structure is in solution form. In solution form, like in water or in DMSO, or depends on the nature of the protein. But in X-ray, the protein is not in solution form. The protein will be in crystal form. So 80% of PDB has the solved structure through X-ray crystallography. X-ray crystallography has been used frequently in all over the world, but unfortunately not in Pakistan. It takes almost $50,000 to predict to solve one structure, depends on the length of the amino acid. And it also takes much time. We also need some experts for this who can easily use these machines and also be safe from that electron bombardment. So the basic idea what we have, okay, we have 3 minutes left for this lecture because of the limitation of the software, and we will join after 5 minutes to the next class. Everyone, thank you.